गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम दीपक राठौर और आज के वीडियो में हम मैथमेटिक्स करवा रहे हैं। वो भी मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ये एसएससी सीजीएल में पेपर से मैंने उठाया है क्वेश्चन, तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 5 tan θ = 4, देन द वैल्यू ऑफ 5 sin θ - 3 cos θ अपान 5 sin θ + 3 cos θ की वैल्यू मुझे फाइंड करना है। ठीक है, ये इक्वल मतलब क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्या आएगा, इसकी वैल्यू फाइंड करना। ऑप्शन ये दे रखे हैं, तो सोल्यूशन देखते हैं इसको। क्वेश्चन देखो, 5 tan θ = 4, तो tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 4/5। ये 5 का डिवाइड कर दिया, ये हमने tan थीटा की वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। देखो यहाँ साइन है और कॉस है, तो हम मुझे अगर tan थीटा यहाँ बना लें तो हमारा काम बन जाएगा। ऊपर tan थीटा बना लें, नीचे tan थीटा बना लें, तो उसमें फिर tan थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा निकल आएगा। क्वेश्चन को एग्जामिनर में थोड़ा बेवकूफ़ बनाया है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं tan थीटा में। तो क्वेश्चन क्या है, 5 sin θ - 3 cos θ / 5 sin θ + 3 cos θ। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। हिंदी में ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम cos थीटा से डिवाइड कर दें, ये हम कर सकते हैं। जो चीज़ हम न्यूमरेटर में कर सकते हैं वही मुझे डिनोमिनेटर में करना पड़ेगा। तो दोनों में हम cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं सभी पद में। तो देखो इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 5 लिखा sin थीटा अपान cos थीटा और माइनस 3 cos थीटा अपान cos थीटा होल अपान 5 sin θ / 3 cos θ / 3 cos θ. हमने सब में अलग अलग डिवाइड कर दिया, मतलब भाग दे दिया। अब देखो cos θ तो कट जाएंगे, ये कट गए। ठीक है, cos थीटा ऊपर वाले भी कट गए, नीचे वाले कट गए, साइन बचे। और एक फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल क्या होता है, sin θ / cos θ। तो जहाँ जहाँ sin θ / cos θ वहाँ tan थीटा रख दो, तो इक्वल क्या आ जाएगा, 5 ये हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया क्या tan थीटा, और उधर क्या बचा -3/ नीचे क्या बचा, ये भी हो गया tan थीटा। तो ये हो गया 5 tan θ + 3। अब tan थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दो, tan थीटा की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवेन है, 5 multiply 4/5 - 3/5 multiply 4/5 + 3। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, ये 5 कट जाएगा, ये 5 कट जाएगा, तो बचा क्या, 4 - 3 ऊपर बचा और नीचे बचा 4 + 3। 4 से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 से 3 तो 1 आया, और 4 + 3 जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1/7। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो प्लीज़ वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अधिक से अधिक। इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।